हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फजी एंड जेजी किटी। फ्रेंड्स, आज जो गेम मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम मैंने रखा है हंसना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो गेम है आपको हंसी ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आपको गेम में बताऊँ उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर मेरा बताया गेम आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कितने भी किटी मेम्बर हो ये गेम आराम से खेल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे किटी मेंबर को एक पेपर और एक पेन देना है, और ये जो पेपर आप देंगे आप उसमें 10 to 1 नंबरिंग कर देंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे करके नंबरिंग करके आप उन्हें दे दीजिए, और उन्हें बोलिए कि पेपर के ऊपर में सब किटी मेंबर अपना नाम लिख लेंगे। अब फिर क्या करना है फ्रेंड, उन्हें बोलना है कि ये 10 नंबर तक, मतलब 10 नाम उनको लिखने हैं जो वो अपने हस्बैंड को बुलाती हैं उन्हें सोचकर, या फिर वो खुद भी नहीं बुलाती हैं तो किसी कोई और अपने हस्बैंड को बुलाती, कहीं मूवी में सुना हो, प्यार भरा नाम या कैसा भी नाम हो जो वो अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो वो 10 नाम उनको लिखने हैं, इंग्लिश में लिखने हैं, और वो 10 नाम जो होंगे उनके लेटर जो होंगे वो 12 नंबर से ज़्यादा नहीं होंगे, उनके जो अल्फ़ाबेट होंगे वो 12 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ, और इसमें लिखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उनको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट या सॉरी 1 मिनट या हाफ मिनट, क्योंकि गेम एक्चुअली ये नहीं है कि 10 नाम लिखने हैं, 10 नाम लिखने के बाद एक्चुअल गेम शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, उनको 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको नाम कंप्लीट करना है। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने सेट कर रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि आगे गेम कैसे खेलना है। तो ये मैं बता रही हूँ, जैसे 10 नंबर पे मैंने लिखा है स्वीटू, दिलबर, जानेमन, हीरो, एजी ओजी, जान, बाबू, सोना, हनी, जानू। तो ये 10 नाम हैं जो हम अपने हस्बैंड को कॉल कर सकते हैं या जो बहुत कोई करते भी हैं। अब क्या है, गेम कैसे शुरू होगा, अब ये सारे पेपर जब सबको ही लिख लेंगे तो ये सारे पेपर होस्ट अपने पास रख लेंगे, और फिर जैसे जैसे जो गेम खेलेंगे उनके नाम का वो पेपर उनको दे दिया जाएगा। सपोज़ ये वाला पेपर रुचि का है, तो गेम में सबसे पहले रुचि खेल रही है, हमारे कोई भी किटी मेंबर हो सकते हैं, तो सबसे पहले उन जब वो खेल रही है तो उनको उनका पेपर दे दिया जाएगा, बाकी पेपर एक बार रहेंगे होस्ट के पास, फिर जैसे जैसे जो मेंबर खेलेंगे उनका पेपर वैसे वैसे उनको देकर गेम खिलाया जाएगा। तो इस गेम के लिए हमें चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी 1 या 2 डाइस की ज़रूरत पड़ेगी, वो जैसे नाम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी, और इसके लिए टाइमर ऑन करना पड़ेगा, वहाँ देर लगता है। तो करना क्या रहेगा फ्रेंड्स, जैसे जो सबसे मेंबर खेलेंगे उन्होंने जैसे लिखा है स्वीटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें 6 अल्फ़ाबेट है। अब क्या है कि रुचि को जो भी मेंबर हैं उनको ये डाइस रोल करना, अच्छा 6 के लिए वो सिंगल डाइस भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 6 नंबर तो रहता ही है, डबल डाइस भी यूज़ कर सकते हैं जैसा उनको ठीक लगे, तो मैं यहाँ सिंगल डाइस ही यूज़ कर रही हूँ, 6 आ गया। तो इसमें वो टिक करें, अब नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 6 है तो उनको 6 और चाहिए, फिर उनका 6 फिर से आ गया, बड़ा जल्दी हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब इसमें 7 है तो एक डाइस से हमारा नहीं होगा, 8, सेवन हो गया, अब इसमें 4 है तो एक डाइस यूज़ करेंगे, 4 हो गया, फिर 4 नेक्स्ट के लिए भी 4 चाहिए, 4 फिर 4 4 फिर उसके बाद फिर से 4 फिर से 4, अब इसके लिए 5 चाहिए, 5 फिर चाहिए 4, ये आ गया 4। तो ये इनका सारा नंबर नाम कितने देर में कटा है, कितना सेकंड्स हुआ है वो नोट कर दिया जाएगा, चाहे इसी पेपर में भी नोट किया जा सकता है। सपोज़ इनका पूरा करने में इनको लगा 1 मिनट एंड 10 सेकंड्स, तो ये पेपर वापस से होस्ट अपने पास रख लेंगे, हर एक मेंबर को उनके पेपर दे दिए जाएंगे, और वो ऊपर से शुरू करेंगे जैसे उनके लेटर्स जितने हैं, जितने भी हैं, किसी के यहाँ पे 4 भी हो सकते, किसी के 2 भी हो सकते, तो उनको वो लेटर्स के हिसाब से डाइस में उतने आने चाहिए। अगर उनका 2 लेटर यहाँ पे है तो डाइस में 2 आएगा, तब फिर वो नीचे की तरफ आएंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे कर करके। तो ये पूरा कंप्लीट करने में जितना सेकंड्स लगेगा वो लिख लेंगे, फिर लास्ट में सारे मेंबर्स का देखा जाएगा कि किसने
कितनी जल्दी कंप्लीट किया है। तो जो सबसे कम समय में ये सारे 10 नंबर्स को कट कर लेंगे वो इस गेम के विनर होंगे। और इसे एक डिफरेंट तरीके से भी खेला जा सकता है, उससे टाइम की बहुत बचत होगी जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, इसी के लिए ही मैंने यहाँ पे नंबरिंग 10 to 1 किया है। अब इसमें क्या है, हर एक मेंबर को अगर आप 1 मिनट देना चाहते हैं तो 1 मिनट दीजिए, और 1 मिनट में वो ऊपर से कट करना शुरू करेंगे तो कहाँ तक वो पहुँचते हैं, जैसे कि अगर ऊपर से कट करते करते वो हीरो तक कट कर लेते हैं लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ पाते, तो ये 7 तक ही किए, तो ये वाले जो मेंबर होंगे 7 तक ही कट कर पाएंगे, उनका पोजीशन आएगा, उनका रैंक माना जाएगा 7। फिर कोई और मेंबर होंगे जो सिर्फ 2 ही कर पाते हैं 1 मिनट में, उनके डाइस में नंबर ही नहीं आता है, तो उनका 2 कर पाएंगे तो उनका पोजीशन होगा 9। फिर और कोई मेंबर होंगे जो नहीं ज़्यादा कर ले रहे हैं, जिनका यहाँ तक पहुँच गया, तो उनका पोजीशन, उनका रैंक हो जाएगा 4। तो इसी तरह से सारे मेंबर करेंगे, जिनका सारा हो जाएगा 1 मिनट के अंदर तो ऑब्वियसली उनको 1 रैंक मिलेगा। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे उल्टे नंबर लिखे हैं कि जिनको जितना रैंक मिलते जाएगा, फिर लास्ट में देखा जाएगा कि कौन फर्स्ट हुए हैं, किनको फर्स्ट रैंक मिला है या सब रैंक है या सेकेंड रैंक ही तक कोई पहुँच पाए हैं, तो फिर वो इस गेम के विनर होंगे। हम इस गेम को इस तरीके से भी खेल सकते हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।